कहते हैं ना कि खुदा के कामों में सिर्फ़ नियत की ज़रूरत होती है, फिर चेहरे भी मुस्कुरा उठते हैं और लोग भी साथ चलते चले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम यार, आज का सीन ये है कि आज हमें जाना है एक अफ्तार ड्राइव पे गुलशन चौरंगी में, और जिनके पास जाना है उनसे मेरी कोई ख़ास बातचीत है नहीं, कल ही फेसबुक पर बात हुई और आज हम जा रहे हैं, और मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस एक ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रीट चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बस। तो फिर वहाँ जाएंगे, जवाद भाई से बात करेंगे और फिर जो है फिर जो भी होगा फिर मैं आगे बताऊँगा कि यार ऐसा रहा वैसा रहा ये हुआ, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह निकलते हैं। ठीक है चलो भाई। यार अभी सीन ये है कि हम लोग जो है वो इधर पहुँच गए हैं गुलशन, और अभी तैयारियाँ चल रही हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में प्रॉपर सेटअप लग जाएगा। जवाद भाई, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मैं पूरे रास्ते आया तो मैं ये सोचता आया था कि यार मतलब हम सबके जिम्मे है काम, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि यार मतलब हम भी चाहते हैं करना लेकिन हम करते हैं दो लोग तीन लोग, आप माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप लेके चल रहे हैं, तो क्या वजह है यार? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। यार हमने काम शुरू किया था कोई लगभग 12 साल पहले, बीमार वॉलंटियर किसी एन जी ओ के साथ काम करता था। उसके बाद फिर हमने इस तरह काम शुरू किया कि हमने भी दो तीन लोगों को सर्व करना शुरू किया रेगुलर डेली बिल्स के हिसाब से। मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे फ्रेंड ने मिलके अपने पॉकेट से मंथली बांधा बता दिया। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बहुत सारे लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने जो है देना शुरू कर दिया होता था ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आज दस्तरखान यहाँ तक पहुँच गया कि डेली हम लोग जो है वो 500-800 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहे हैं। पूरे साल आप ये पूरा साल है दोपहर, पूरे साल में जो है दोपहर खाना होता है और रमज़ान के दिनों में अफ्तारी होती है। अच्छा, तो ये आपका जो नाम है स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो ये सिर्फ बच्चों का है या मतलब सिर्फ ये स्पेशली किसी बच्चों के लिए बनाई है ये, या मतलब क्या है? यार ये शुरू इस तरह किया था कि बच्चों के लिए ही शुरू किया था, जो बच्चे सड़कों पर रहते हैं उनके लिए शुरू किया था मैंने, फिर वो आहिस्ता 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 करके एक्सपेंड होता गया और वो लोगों के घरों तक चला गया। मतलब कि हमारे पास अब मंथली लेवल पे राशन भी होते हैं, राशन बैग्स होते हैं, 100 से ज़्यादा लोगों के घरों में राशन जाता है, सफेद पोस्ट घरों में जो लोग लोगों के आगे हाथ ना मिलते ही फैलाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं तो आपको ना नहीं करते, तो उनके लिए होता है। इसके अलावा फिर अब इस तरह का दस्तरखान है जैसे कि अब बच्चों को तो सर्व करना मकसद है हमारा, उसकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके लिए शेल्टर होम, बट हमारा मेन मकसद ये भी था कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भर सकें। अभी ये आप खाना खिला रहे हैं, इसके अलावा आपके और क्या है, मतलब इसके अलावा आप कुछ और भी करते हैं या खाना और ये सब ये है? अच्छा, हमारे पास अभी जो प्रोजेक्ट्स लाइन अप हुए हैं उसके अंदर डिलीवरी केसेज होते हैं जो कि फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती, उसके अंदर स्ट्रीट स्कूलिंग होती है बच्चों की, जो आपने देखा होगा जगह जगह पे पुल के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे पोर्टेबल बोर्ड होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चों को वो तालीम की तरफ उनका जो रुझान है वो उजागर करते हैं। फिर उनको हम उसके अंदर खाना प्रोवाइड करते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर उनको हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, उसके अंदर हम उनको स्वागत मनी देते हैं ताकि बच्चों का दिल हमारे पास लगे, ताकि उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई जो पैसा है वो तालीम से ज़्यादा मिल सकता है आपको बनस्बत आप रोज़ से कमाओ। लेकिन नहीं हो सका, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके पास हूँ, कभी भी आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल गए थे अफ्तारी पे, जैसा आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, सब कुछ देख लिया, कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बस बताने चाहूँगा कि यार उस बंदे ने जिस बेहतरीन स्टाइल से सब कुछ मैनेज किया हुआ था ना, क्योंकि इस तरह की आवाम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो लोग लड़ रहे हैं हमें दो हमें दो हमें दो, तो जो है ना उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे जितने भी फंड्स हों। तो उसके लिए भाई ने बहुत माशाल्लाह बेहतरीन उनकी अरेंजमेंट थी, लोग उनका साथ दे रहे थे, इधर उधर से आए हुए लोग उनका साथ दे रहे थे, और उनकी सबसे मुझे मज़ेदार बात ये लगी कि यार वो बंदा सिर्फ रमज़ान के हद तक नहीं है, वो कह रहा है मैं पूरा साल खाना खिलाता हूँ लोगों को, पूरा साल उनकी मदद करता हूँ, पूरा साल लोगों को राशन बांटता हूँ। तो ये जो है फिर बातें हैं ना ऐसी यार के बंदा बोले यार वाह यार क्या बंदा है यार ये। तो फिर मैं लिंक में डाल रहा हूँ, लिंक में बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, और फिर बस दिखा दो अपनी मोहब्बत भाई के साथ और दिल खुश कर दो उनका भी और मेरा भी।
सही है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।